वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज मैं आपको कमीज के चौक पे एक बहुत ही खूबसूरत सा साइड डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है चैनल पे न है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है अगर कटिंग की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं ये मैंने कमर की सिलाई के लिए निशान बारह इंच तक लगाया हुआ है अब हिप से लेके मैंने चार इंच तक निशान लगाना है ऊपर कमर वाली सिलाई की साइड पर ऐसे अब ये वाला जो चार इंच तक मैंने निशान लगाया है यहाँ पे छोटा सा कट लगाऊंगी अब दामन वाली साइड से हम चार इंच तक निशान लगाएंगे ये चौक वाली साइड पे हमने निशान लगाना है थोड़े थोड़े से गैप पे मैं चार चार इंच तक निशान लगाऊंगी पहले निशान हमने ऊपर जो कमर वाली साइड पे कट लगाया है वहाँ तक लगाने हैं ऐसे निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ऐसे सीधी लाइन मैंने कट तक ड्रॉ कर दी है अब ये वाला जो कट लगाया हुआ है यहाँ पे मैंने स्केल को तिरछा रखना है और निशान ड्रॉ करना है ऐसे अब ये इस शेप में हमने स्त्री की मदद से निशान बना लेना है फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठा रखा हुआ है तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे डिजाइन बिल्कुल एक सा आएगा ऐसे दामन पे हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर हमने स्त्री की मदद से ये निशान बना लिया है अब फैब्रिक को यहाँ से ऐसे तिरछा फोल्ड करना है और ये वाला जो ऊपर तिरछा निशान लगाया यहाँ पर स्त्री की मदद से निशान बना लेना है चौक पे ये वाला निशान जो मैंने ड्रॉ किया था इस्त्री की मदद से इसको मैंने प्रेस कर दिया है फ्रंट और बैक दोनों साइड पर डिज़ाइन एक जैसा आएगा अब चौक की मदद से यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी चौक पे ये वाले जो निशान लगाए हैं इनके ऊपर मैं बॉर्डर से ये डिज़ाइन बनाऊंगी साइड से बॉर्डर को कट करके मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके प्रेस कर दिया है इसकी टोटल चौड़ाई सवा एक इंच है आप एक इंच भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो ट्राउज़र का सिंपल फैब्रिक भी लगा सकते हैं ऐसे मैं इसको लगाऊंगी पट्टी को जो निशान लगाए हैं उनको फॉलो करके और इसके एक साइड पर ये शिटल लेस लगाऊँगी फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने ये पट्टी लगानी है ऐसे बॉर्डर को मैंने पहले से ही फोल्ड किया हुआ दोनों साइड से तो ये वाले जो निशान लगाए हैं इनको फॉलो करके मैंने पट्टी लगानी है एक इंच तक मैं बाहर की साइड पट्टी को बढ़ा के रखूँगी अब मैंने इसके एक साइड पे ये शीटर लेस रखनी है शीटर लेस बाहर वाली साइड पे रख रही हूँ अगर आप पट्टी और शिटर लेस इकट्ठी नहीं लगा सकते तो पहले आप पट्टी के साथ शिटर लेस अटैच कर लें उसके बाद पट्टी को आप इस शर्ट के ऊपर अटैच करें तो सफ़ाई के साथ आएगी अब यहाँ से हमने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है कॉर्नर से और नीचे दामन तक सीधा हमने स्टिच कर देना है जो निशान लगाए हुए हैं उनको फॉलो करके इस शर्ट के दामन पे ये कढ़ाई वाला बॉर्डर है तो मैं इसको यहाँ तक स्टिच करूँगी अगर आपका सिंपल है तो आपने नीचे दामन तक इसको स्टिच करना है आप ऐसे वापस में मशीन को मोड़ के इस पट्टी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी ये वाला जो कॉर्नर है इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूं इस तरह से अब ये वाला जो किनारा है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये यहाँ से निकले नहीं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने ये पट्टियां अटैच करके प्रेस कर लिया है फैब्रिक को तो ये आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ आई हैं दोनों साइड पे एक जैसी आएंगी बैक साइड पे भी ये मैंने इस तरह से लगाई है और नीचे बैक साइड पे मैंने ये शिटर लेस लगाई है पलटे के साथ फ्रंट साइड पे ये कढ़ाई वाला बॉर्डर था तो सिर्फ मैंने शिटर लेस बैक साइड पे लगाई है गला मैंने इस तरह से पट्टी लगा के तीन तीन ट्राइंगल लगा दिए हैं अब कमर की सिलाई मैंने लगाई है निशान लगाए हैं उनको फॉलो करके मैंने सिलाई लगानी है अब ये वाला जो मैंने सेंटर में बॉर्डर अटैच किया है इसको पहले आपने ऐसे जैसे मैं रख रही हूँ इकट्ठा रख के पिन लगा लेनी है ताकि ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से एक जैसा आए कमर की सिलाई के लिए ये जो निशान लगाए उसको फॉलो करके मैं सिलाई लगा दूँगी कमर की सिलाई मैंने लगा दी है ये देखें बॉर्डर बिल्कुल एक जैसा है यहाँ से तो आप सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड से कमर की सिलाई मैंने लगा दी है ये वाला बॉर्डर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा आया है फ्रंट और बैक दोनों साइड से चौक पे मैं ट्राइंगल के साथ पलटा लगाऊंगी तो ऐसे एक इंच तक ऊपर की साइड पलटे को मैंने रखना है फोल्ड करके और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है ऐसे में हल्की सी सिलाई लगाऊंगी अब ये वाली जो कमर की सिलाई ख़त्म हो रही है हिप की यहाँ से मैंने ये ट्रायंगल लगाने हैं डेढ़ इंच चौड़ाई और डेढ़ इंच लंबाई में फ़ैब्रिक लेके ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके ट्रायंगल बना लिए हैं जितनी मुझे चाहिए उस हिसाब से ये दो ट्रायंगल मैं लगाऊंगी इस शेप में जैसे मैं फोल्ड करके लगा रही हूँ आपने सेम ऐसे लगाने हैं ये बहुत खूबसूरत लुक देंगे ऐसे नीचे पहले मैं ट्राइंगल रखूँगी उसके बाद ऊपर पलटा रख के किनारे पे सिलाई लगाऊंगी सेंटर में गैप मैंने हाफ इंच का छोड़ना है और नीचे दामन तक ऐसे ही ट्राइंगल अटैच कर देने हैं पलटा और ट्राइंगल अगर आप इकट्ठे स्टिच नहीं कर सकते तो पहले आप ट्राइंगल को स्टिच कर लें चौक पे उसके बाद ऊपर आप पलटा लगा लें फ्रंट और बैक के चौक पे मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है ट्राइंगल से और इसको प्रेस कर दिया है अब मैं हाथ की मदद से तुरपाई करूंगी ये कॉर्नर से ऐसे फोल्ड करके आप चाहे तो मशीन के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं पल्टी को तुरपाई करने के बाद शर्ट को मैंने प्रेस कर दिया है चौक पे ये ट्राइंगल का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है सेंटर में ये जो पट्टी से मैंने डिज़ाइन बनाया है ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है चौक और साइड का ये डिज़ाइन न्यू डिज़ाइन है बैक साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि बैक साइड पे भी मैंने ये पट्टी लगाई है ये डिज़ाइन आप अपनी शर्ट पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक दें इजाज़त अल्लाह